योगी सरकार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लाख दावे कर ले, पर यूपी में कहीं भी अपराधियों के हौसलों में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। अभी ताजा मामला यूपी के बलिया का है, जहां बीजेपी नेता सिंह पर 6 अज्ञात हमलावरों ने बीजेपी नेता का नाम पूछकर ताबड़तोड़ फायरिंग झोंक दी। इस मामले में नथुनी सिंह तो बच गए, लेकिन उनके साथी बीरबल चौहान के पैर में गोली लग गई। हमला करने के बाद सभी हमलावर मौके से भाग निकले। घायल बीरबल का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। नाम बीरबल चौहान। कहाँ घर पड़ेगा आपका? मोतीराम। ये जो घटना घटी कैसे घटी? कैसे घटी है, टेबल पे थे, धान का बीज देखने गए थे, वहाँ बैठे थे दो तीन लोग, पीछे से आए, नाम पूछे और असलाह से फायरिंग करना शुरू। कौन कौन थे? अच्छा, कहाँ पे आपके, आपको जो फायरिंग के कौन कौन थे, आपसे कौन पूछा? उसी में से थे, हम लोग पहचाने थोड़े। कितने लोग थे? 6 लोग थे। आप अकेले थे? 3 आदमी थे हम लोग। गाँव है मोटी, वहाँ के रहने वाले हैं नथुनी सिंह। उनके ट्यूबवेल पे नथुनी सिंह अपने दोस्त मित्र हैं बीरबल चौहान और एक और राजभर करने हैं, ये लोग बैठे हुए थे। तभी वहाँ पीछे से 4-5 लोग, जैसा वो बता रहे हैं, पहुँचे और नथुनी सिंह का नाम लेकर पूछा कि इनमें से नथुनी सिंह कौन है। और इस बीच उन दोनों में हाथापाई हुई पूरे ग्रुप में, और जो अपोजिट पक्ष था उसने फायर किया है। फायर करने से जो बीरबल चौहान हैं उनके पैर में इंजरी हुई है। उनको पहले रसड़ा का चिकित्सालय में ले जाया गया, फिर उसके बाद उनको जिला चिकित्सालय ले आया गया है बलिया में। अभी वो आउट ऑफ डेंजर हैं। इस मामले में अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया है, और चूंकि वो पहचान नहीं पाए हैं कि कौन थे, तो अज्ञात 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है तो रसड़ा थाने से, और उसके आगे कार्रवाई भी जारी है।